हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के मुकाबले में। भारत बनाम श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला जो है खेला जा रहा है दोस्तों आज। और आज के इस मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग करने के लिए आएंगे। बढ़िया बल्लेबाज है दोनों, जिनकी बात की जाए तो अच्छी ओपनिंग है, बढ़िया बल्लेबाज है भारतीय टीम की। और 30 बॉल के ऊपर जो है 98 रन की दरकार रखी गई यहाँ पर श्रीलंका द्वारा, क्योंकि बढ़िया मारा था श्रीलंका ने भी, बहुत बना के रख दिया था दोस्तों आज भारतीय गेंदबाजों का। और अब आएंगे दोस्तों रोहित शर्मा। चलिए पहली बॉल फुल टॉस जारी जरूर है और इसको बाउंड्री में डील नहीं कर पाए, लेकिन पहली बॉल थी तो आसानी के साथ सिंगल लेना जरूरी है तो जो कि मिल जाएगा। बढ़िया बल्लेबाज दोस्तों यहां पर अभी तक शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की। तो दोस्तों निवेदन है कि आप सभी से अगर लाइक नहीं किया तो कर दें, अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जरूर से दबा लीजिए। आज का मुकाबला बहुत बेहतरीन खेला जाएगा शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा द्वारा। भारतीय टीम जो है आज पूरी की पूरी साझेदारी के साथ उतरी है। चलिए शुभमन गिल इस बार हवा में खेल बैठे, गलती से लेकिन चौका मिल जाएगा। इसमें ताकत नहीं थी, इसमें टाइमिंग नहीं थी, लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर इतनी टाइमिंग यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से थी। बढ़िया शॉट, पहली बॉल के ऊपर चौका जड़ दिया। जी हाँ, अपना खाता 4 रन से जोड़ा है। ये देखिए बल्ला बहुत लेट आया, बॉल नहीं फिकी है। क्या बॉलिंग है, बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों पर, अच्छी बॉल थी वाली, काफी लाजवाब। चलिए दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है अभी तक तो भारतीय टीम की, क्योंकि चौका आ चुका है। फर्स्ट बाउंड्री जो है शुरुआत बाउंड्री की हो चुकी है। इस बार लीजिए, इस बार नहीं है, इस बार तो पूरे के पूरे 6 रन के लिए खेला जाएगा शॉट। और ये ऊंचा छक्का यहाँ पर दोस्तों, बढ़िया बल्लेबाजी, लोगों को जो है टाइट कर दिया गया, इसीलिए फील्डर दो दो तैनात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने चौका यहीं पर मारा था। उसके बावजूद अपनी दूसरी बॉल के ऊपर छक्का जड़ दिया है, क्योंकि रन इतने हैं, शुभमन गिल को चाह कर भी जितना हो सके उतना मारना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन है बाहर की, खड़े खड़े शॉट, क्लैप इस्तेमाल, बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में यहाँ पर दोस्तों। बॉल को आने दिया, नजर जमाया, लेकिन फिर उसके बाद टाइमिंग की वहां पर और पूरे पूरे 6 रन जड़ दिए। 10 बना चुके शुभमन गिल दोस्तों। बात की जाए तो मैच दूसरी पारी की 3 बॉल हुई मात्र और 11 रन बना चुकी है भारतीय टीम। बढ़िया शुरुआत रही दोस्तों अभी तक, बहुत अच्छी है, इसकी बात करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पर, डॉट बॉल डाले शुभमन गिल के लिए, हालांकि फुल टॉस थी, इसको कट शॉट करने में डील करना चाहिए था या तो सिंगल के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन डॉट बॉल अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों इस बॉल की, बढ़िया थी ये वाली। अच्छे मुकाबले में बढ़िया खेल रही दोस्तों अभी तक श्रीलंका की बॉलिंग, काफी बढ़िया रही। ये देखिए योगर रखी जरूर थी लेकिन चौका में डील होगी। शुभमन गिल ने कहा है कोई बात नहीं, आप बढ़िया बॉलर हो लेकिन हम बल्लेबाज भी तगड़े हैं। योगर बढ़िया थी वाली, इसकी तो तारीफ कर रहा था मैं, लेकिन ये क्या, देखिए क्या खेची है लेग में, बहुत प्यारी बल्लेबाज शुभमन गिल द्वारा लेग में खेची, जाने दिया, उसके बाद बैक फुट के ऊपर से स्टैंप आउट करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं था, खड़े खड़े शॉट, पूरे के पूरे 4 रन शुभमन गिल के बल्ले से। दोस्तों अभी तक तो मुकाबले में काफी प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। राजी था जो है बढ़िया बॉलर है, लेकिन आज के है शुभमन गिल का। एक और लीजिए, एक और फुल टॉस, एक और चौका, पहले ही ओवर से 19 रन आ चुके हैं, पहले ही ओवर से, क्या बात है, ये बढ़िया रही है दोस्तों। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत मारा है। और अब आएंगे दिलशान मधुशंका, बढ़िया बॉलर दोस्तों। दिलशान की बात की जाए तो अभी तक इनका कैरियर बढ़िया रहा है, मतलब इंडिया के खिलाफ तो अच्छे रहते हैं, वो विकेट ले देते हैं जो चाहिए रहती है, जैसे कि बहन रोहित शर्मा, छोटी बॉल डालिए, फुल टॉस पे और ये फुल शॉट छक्का है। मैंने कहा था रोहित शर्मा के लिए छोटी बॉल है, और जब रोहित शर्मा के लिए छोटी बॉल आती है तो इस्तकबाल जो है छक्कों से करते हैं। बेहतरीन शॉट है पूरे के पूरे 6 रन के लिए, क्लैप इस्तेमाल, ओहो पड़ा बॉल को नीचे, बॉल इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन एम्पायर को कहा आप नीचे बैठ जाइए, उसके सर के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ दिया यहाँ पर। बहुत प्यारा शॉट है रोहित शर्मा के बल्ले से, खड़े खड़े शॉट। मधुशंका जो है, दिलशान मधुशंका, उनका पहली ओवर की पहली बॉल के ऊपर ही छक्का लग चुका है रोहित शर्मा, और स्टंप भी छोड़ दिया, आगे की तरफ हो चुके हैं। ये देखिए छोटी बॉल, पता था अंदर तरफ आएगी, एक और चौका, टाइमिंग इतनी तेज कर रही कि मौका ही नहीं किसी फील्डर के पास बॉल को पकड़ने का। बहुत प्यारी बल्लेबाजी, क्या खेल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा। ये देखिए एम्पायर को क्या है, थोड़ा सा डी, खड़े खड़े शॉट,
पहले वो रन के लिए भी नहीं भागे, पता था उनको आसानी के साथ ही चार रन मिलेंगे। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, 10 आ चुके हैं इस ओवर में दोस्तों। आज पढ़ा है इनको, क्योंकि पिछले जो 2023 की बात की जाए तो बोल्ड मारा था इन्होंने दूसरी बॉल के ऊपर ही रोहित शर्मा को, और अब दोस्तों आमने सामने आए तो रोहित शर्मा का कहर आया है इनके सामने। रोहित शर्मा खुद अभी नहीं आया है, ये देखिए ओहो इस बार फील्डर पा लिए, अच्छा शॉट था लेकिन, बहुत अच्छा था, मजा आ गया ऐसे शॉट देख कर, फील्डर थे लेकिन क्या बात है, बल्ले पर बढ़िया बैटरी रोहित शर्मा के। वो बड़ा शॉट नहीं खेलना चाह रहे, वो भी आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में, क्योंकि चार बॉल पर 12 आ चुके हैं, बढ़िया खेल रहे दोनों ही, टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। चलिए मधु संघ इस बार बाहर तरफ स्विंग है, शुभमन गिल ने कहा है तो मिलेगा तो 6 रन ही, क्या बात है, लग रहा है ओपनिंग ही ले जाएगी मैच को जिस हिसाब से मार रहे हैं। शुभमन गिल ने पहले बॉल को पड़ा, मधुशंकर की शिविंग होने दी, बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली ना जैसे तुरंत, उसके बावजूद बैट जो है टाइमिंग के साथ आया, टाइम पर आया, देखिए बहुत प्यारा बल्ला, ओ बैट थोड़ा सा घूम गया था हाथ में लेकिन बल्ले पर बढ़िया आई है। बीच बैट पर जब बॉल लगते हैं तो दूरी कुछ अलग अंदाज में जाती है, जैसे कि अब ये 6 की मंजूरी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर कला इस्तेमाल किया है, मिड ऑन के ऊपर से बढ़िया पारी हो रही दोस्तों, लॉन्ग ऑन को भी टाइट कर देगा यहाँ पर, हालांकि बैक फुट के ऊपर अभी तक स्टैंप आउट नहीं किया है भारत टीम ने, आई डोंट नो क्यू। चलिए बाची बॉल स्टैंप आउट, ओ ये बॉल है स्विंग कितनी, सुमन गिल को पता तक नहीं चला बॉल कम में निकल गई, क्या बात है, डॉट बॉल। मधु शंका इस बार मा तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी, इस बार लीजिए, इस बार सुमन गिल को कहा है कि बच गए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन सिंगल आ जाएगा। चलिए दोस्तों दो ओवर का खेल हो चुका है और दो ओवर में 37 आ चुके हैं, मात्र 12 बॉल पर 37 रन। देखिए ये बॉल थी वो जो डॉट गई थी ना, वो थी ये वाली, नजर डालिए कितनी खतरनाक डॉट बॉल थी ये, काफी बढ़िया थी काली वाली। दुश्मन आज चमीरा, जी हाँ चमीरा बढ़िया बॉलर, राइट आर्म फास्टर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अंदर बॉल जो है अंदर तरफ आती है काफी, तो बल्लेबाज अगर आगे की तरफ रहेगा ना तो इनके ऊपर बड़ा शॉट आसानी से आ सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या लगता है, शुभमन गिल पहली बॉल, वो अंदर तरफ आई है लेकिन चौका मिलेगा, कोई फील्डर ही तैनात नहीं है, क्या बात है, इसको लेके ऊपर से फुल टॉस थी, ये देखिए ओ अगर ये पेड़ पर लगती ना तो डायरेक्ट व्यूअर करती, मतलब आउट थे, खड़े खड़े शॉट, डील देखिए बैक फुट को जो है तकड़े से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने सुना था बैक फुट के ऊपर सुमन गिल अच्छा खेलते हैं और आज देख भी लिया है, क्योंकि खड़े खड़े शॉट डील कर रहे हैं, वो बॉलर की गति के साथ खेल रहे हैं, वो चाहकर बॉलर जो है बेचारा दबा हुआ है, लेकिन ये देखिए छोटी बॉल डाली है, ताकत लगाई है और ये छक्का है, ये बेहतरीन शॉट, दर्शकों में डील हो रही दोस्तों, किसी को नहीं छोड़ रहे आज। हाँ शुभमन गिल ने कहा है ओडीआई का कहर और हमारा बरसेगा जरूर, क्या बात है, ये छोटी बॉल थी और शुभमन गिल ने ये हेली मैट की तरफ बॉल आ रही थी लेकिन उसके बावजूद उसको 6 रन के लिए डील भेजा है, हालांकि इसके लेके ऊपर फील्डर थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया स्कूल शॉट यहाँ पर, तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों इस शॉट की, खड़े खड़े शॉट खेल रहे हैं, वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, मतलब शुभमन गिल का पैर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर खड़ा है, पता नहीं क्यों बॉलर के हिसाब से खड़ा है ना, ये देखिए यूर करती हालांकि और छक्का है पूरे के पूरे 6 रन है, क्या बात है, ये शॉट शुभमन गिल खेलते हैं, मतलब कलाइयों का इस्तेमाल हुआ इस शॉट में कलाइयों का इस्तेमाल, नजर डालिए ये देखिए कलाइयों का इस्तेमाल और फ्लैट छक्का है, अब देखिए ये देखिए फ्लैट बॉल थी और फ्लैट छक्का, देखिए ये देखिए छक्का मारा है, क्या बात है शुभमन गिल, ऐसी बॉल के ऊपर कोई शॉट मारता है लेकिन 6 रन के लिए खेला था, बहुत प्यारी बल्लेबाजी, ओहो इस बार नहीं है, इस बार बल्ले पर अच्छी आई है और ये बीच चौका, दोस्तों नहीं छोड़ेंगे आज शुभमन गिल, कह दिया है आज नहीं छोड़ेगा, आज तो भारत टीम जीत कर रहेगी, इतने प्यार से मार रहे हर बॉल को, दिशा उसकी दिशा में भेज रहे, ये सामने की तरफ थी और सामने भेजा है शुभमन गिल ने, खड़े खड़े शॉट, वाओ क्या बात है, रन के लिए भी नहीं भाग रहे, ऐसे मार रहे दोस्तों इनको आज, श्रीलंका की टीम जो है काफी दबाव में, मजा बहुत आ रहा है मैच में जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, तेज और रफ्तार वाली, क्योंकि तेज खेल रही है भारतीय टीम, ऊपर से रोहित शर्मा मार रहे हैं, दूसरी तरफ से शुभमन गिल मार रहे हैं, कहर तो इन्होंने बरसा के रख दिया है,
पता नहीं ये लोग आउट होंगे नहीं दोस्तों, क्या बात है, ऐसा लग रहा है मुकाबला भारत टीम जीतनी चाहिए, और जिस हिसाब से खेल रही है किसी हालत में नहीं देगी मैच श्रीलंका को। ये देखिए भी चौका, मतलब बॉलर तो डालेगा फुल, छोटी बॉल डालता है छक्का, अगर आगे तक रखता है तो भी छक्का, अगर बैक फुट के ऊपर रखता है तो चौका, मतलब करे तो करे क्या बोल रहे। देखिए अंदर इतना पाई थी, थोड़ी स्विंग थी और खड़े खड़े चौके में डील करते और तेज मार रहे हैं फील्डर, हालांकि वहां पे लेकिन तेज इतना है कि फील्डर बोल रहे हैं क्या करूं कैसे रोक, उड़ के तो रोका नहीं जा सकता। क्या बात है दोस्तों, जरूर से करिए लाइक, आज के मुकाबले मजा बहुत आ रहा है जिस हिसाब से पारी खेली जा रही है। तब देखिए फील्डर जो है ना लेग में पूरे पूरे चार फील्डर रख दिए, लेकिन शुभमन गिल फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस बार फील्डर है, इस बार ओ ये छक्का है दोस्तों, ये क्या है, 14 बॉल पर 55 मतलब 50, 5 छक्के 4 छक्के, शुभमन गिल का छक्का देखिए किस स्टाइल में मारा है। ये देखिए अंदर तरफ आई थी और ये देखिए खड़े खड़े शॉट, इतनी बैट कोई घुमा दिया है फिर भी छक्का मिला है, फ्लैट छक्का मारा है, क्या बात है, शुभमन गिल बहुत बढ़िया पारी खेलते हुए आज, आज हर तरफ छक्के मारे इन्होंने, बढ़िया बढ़िया शॉट और खेले। महेश ठेक्सना को लाया जाएगा, जी हाँ ठेक्सना होंगे, सामने होंगे इनके रोहित शर्मा, 12 बॉल 31 रन। हाँ चलिए स्टैंप आउट किया है, ओ भाई बॉल बहुत दूर है, बहुत दूर भेज दी पहली बॉल के ऊपर इतना लंबा छक्का रोहित शर्मा, थोड़े से बाहर तरफ निकले। ये देखिए क्या शॉट, देखिए स्टैंप आउट किया और ये देखिए ओ कितनी पावर लगाई शॉट में, ये शॉट अद्भुत है, इसकी तो रोहित शर्मा तारीफ खुद कर रहे हैं, क्या लंबा शॉट मारा, कितनी दूरी है, दूरी देखिए 6 की मंजूरी, बेहतरीन छक्का। दोस्तों करिए लाइक करिए सब्सक्राइब, भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी देखकर बड़ा मजा बहुत आ रहा है, बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे रोहित शर्मा। ओहो ये गए विकेट, नहीं अभी नहीं आई शायद, अरे बच गए, क्या बात है रोहित शर्मा इस बार अच्छी बॉल थी और जाने भी दिया पता नहीं क्यों, इस बार अच्छी बॉल है, बैट पर लगी जरूर, एक भी मांग की है और रन तो मिलेगा, रन मिल गया, अपील की गई है लेकिन एम्बा ने कहा है आपकी जो अपील है उसको मैं नॉट आउट करूंगा क्योंकि बल्ला लगा है, बढ़िया शूट यहाँ पर है एम्बा द्वारा, इस बार हवा में शॉट है, बिल्कुल हवा में गया रोहित शर्मा ने, 1 रन के लिए फिर से सिंगल मिलेगा, मैच अभी भी नहीं आया भारतीय टीम के हाथों में, रोहित शर्मा ने पहली पर छक्का मारा उसके बाद 3 बॉल जो है मात्र 1 रन है उन बाजू के तीनों पे, अच्छी बल्लेबाजी हो रही दोस्तों अभी तक तो रोहित शर्मा। चलिए इस बार लीजिए हवा में शॉट, इस बार तो गई ये दूरी में, तारों को दिखा दिया गया है रोहित शर्मा द्वारा और ये बड़ा छक्का, इसी के साथ 81 रन पूरे हुए भारतीय टीम के, बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा, खड़े खड़े शॉट मार रहे हैं, कितनी ताकत से मारा है, इनके पास ताकत है, ठेक्सना को जो है दबाव में डाला है, देखिए पहली बॉल को पड़ लिया था उसके बाद अपना एक पैर पीछे रखा, दूसरा थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा, यानी उनको पहले से इस्तेमाल करके खिलाड़ी को इस्तेमाल जरूर करना है, टाइमिंग के साथ खेलना है और वही बल्लेबाज सक्सेस होता है दोस्तों जो दिमाग से खेलता है, जब ताकत की जरूरत होती है तो रोहित शर्मा भरपूर लगाते हैं, सबको पता है कितने प्यारे बल्लेबाज है, बहुत बड़े बल्लेबाज हो रहे दोस्तों भारतीय टीम की, क्या लगता है 7 बॉल पर 17 चाहिए, 7 बॉल 17 रन, जी हाँ हवा में खेला है, ये हवा में खेला गया है, फील्डर कोई नहीं है, ओ ये तो छक्का है, ये छक्का है रोहित शर्मा, लास्ट की ओवर की बॉल थी और उसके ऊपर ही छक्का जड़ दिया। अब आ जाए धनंजय दास सिल्वा, जी हाँ अब इनको ले गया है, लेके आए यहाँ पर, सोच अच्छी रहेगी श्रीलंका की वो देखने वाली बात हो, क्योंकि 6 बॉल के ऊपर 11 रन की दरकार 11, और शुभमन गिल रोहित शर्मा का जिस हिसाब से कह रहा है ना, लग नहीं रहा है मैच इनके हाथों में आएगा श्रीलंका के हाथों, क्या लगता है इस बार एक रन की अपील लगी है और रन ले लिया जाएगा, सिंगल आ चुका है, हालांकि शुभमन गिल का नहीं है, पैर पर लगी थी बॉल, बाहर थे थोड़े से तो अपील नहीं की गई, अच्छी बॉल थी पहली। चलिए दोस्तों अच्छी बॉल की शुरुआत हो चुकी है, रोहित शर्मा ने स्टंप क्यों छोड़े, स्टंप छोड़ दिए शायद, लेकिन ये बॉल कहाँ है, ये दूसरी बॉल है, मतलब ये वाइड नहीं है, क्या चाहता क्या है भाई तू, एम्पायर क्या सोच रहा है, इतनी बाहर वाइड नहीं रहती है,
भाई जरा रिप्लाई तो चाहिए। ये देखिए, अरे भाई और कहाँ चाहिए बोल, मेरे डालिए और इससे भी अंदर आती है क्या बोल। ये देखिए ये देखिए ये सिलो और अरे इतनी बाहर की बॉल भाई नहीं होती आज पता चला है मुझे। रोहित शर्मा दिमाग से खेलो भाई, ये तो अलग ही अंदाज हो रहा है मैच। वो देखिए एक बार अपील की गई लेकिन इस बार रन आउट हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे नहीं होंगे। और ये लीजिए बिल्कुल यहाँ पर डराने का खौफ क्या है, फिर से सिंगल आएगा, एम्पायर का फिर से नॉट आउट। अब मैच फंस रहा है यहाँ पर क्योंकि अब चाहिए तीन बॉल पर नौ रन। शुभमन गिल जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अब मैच यहाँ से आपके ऊपर है। फुल टॉस डालिए पैरों पर बॉल, फील्डर तैनात पकड़ ले कैच और फेंक दिया। रन बचा लिए अपनी टीम के लिए, पूरे के पूरे चार रन बचाए क्योंकि छक्का था, छक्का को बाउंड्री से बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या चाहते हो भाई, मतलब अरे रुक जा भाई रिप्लाई तो देखने दो यार, तुम लोग इतनी जल्दी करते हो। ये देखिए ए फुल बढ़िया शॉट था, हवा में था और ये देखिए फील्डर मतलब बाउंड्री से फेंक दिया। नजर डालिए यार, ये देखिए क्या बात है, बढ़िया फील्डिंग है इस बार, कहा इस बार हमारे बल्ले से होगी फील्डिंग सजेगी। ये देखिए मैच हो चुका है टाई, मैच टाई हो चुका है क्योंकि दो बॉल पर सात चाहिए थे, छक्का जड़ दिया शुभमन गिल ने, बेहतरीन छक्का जड़ा है दोस्तों ये, क्या बात है। पहले पढ़ लिया था उस टाइम बाहर आएगी, फिर शॉट मारा है घुमा कर तेज रफ्तार से शॉट खेला गया है पूरे के पूरे छह रन के लिए, बेहतरीन शॉट। अगर ये छक्का नहीं लगता तो फंसता मैच, लेकिन अब कह सकते हैं कि भारतीय टीम को चिंता तो नहीं रही क्योंकि टाइट हो चुका है, अब एक रन और आ जाए तो जीत ही जाएगी। जी हाँ चलिए स्कोर लेवल हो चुका है 98 रन, एक रन की दरकार है, 98 पर तो जीत थी। चलिए इस बात की बोले अरे नहीं यार ओ बच गए, ओवर थ्रो तो आ गया फ्री के रन आ चुके हैं, चलिए जीत चुकी है भारतीय टीम ओवर थ्रो की बदौलत, नहीं सिंगल तो ले लिया था, रन आउट होते तो टाई हो जाता मैच, भारतीय टीम जीत चुकी दोस्तों। जरूर से करिए लाइक करिए सब्सक्राइब, भारतीय टीम की ऐसी पारी आज बहुत ताबड़तोड़ हुई है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग ले गई, बताओ किसी की तो पारी नहीं आई है। चलिए दोस्तों करिए लाइक करिए सब्सक्राइब एंड डीजे समर्थन, गुड बाय।